इस विंटर में आप भी अगर अपने स्किन में इतना चमक पाना चाहते हैं तो इस पैक को जरूर इस्तेमाल कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक रेमेडी लेके आई हूँ जिसे लगाने से स्किन का 3 प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस विंटर सीजन में। पहला प्रॉब्लम है आपका रंगत काला पड़ जाना, आपकी स्किन काला पड़ जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स ड्राई विंटर सीजन में क्या होते हैं, स्किन ड्राई हो जाते हैं। आपका स्किन जितना भी ऑयली हो विंटर सीजन में ड्राई हो जाते हैं, पिंपल्स विंटर सीजन में कमती आता है ऑयली स्किन वालों लोगों को, लेकिन बहुत ड्राई होने से भी पिंपल आते हैं। तो पिंपल जब चले जाते हैं उसका जो डार्क स्पॉट रहता है उसको आप विंटर सीजन में रिमूव कैसे करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका रिंकल पड़ना, यहाँ पे रिंकल पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं ना सीजन में, आपका स्किन ड्राई हो जाने से यहाँ पे रिंकल पड़ना, यहाँ पे रिंकल पड़ना, ये तीनों चीज़ों से आप कैसे मुक्त होंगे उसके लिए मैं एक रेमेडी लाई हूँ। विंटर सीजन में भी टैनिंग का प्रॉब्लम रहता है, ऐसा नहीं जैसे सिर्फ समर सीजन में ही टैन पड़ते हैं, विंटर सीजन में भी टैन पड़ते हैं। तो ये रेमेडी आपका टैनिंग को दूर करता है, आपके स्किन को टाइट बनाता है, आपके ब्लैक स्पॉट को दूर करता है, अगर आपके पिंपल्स एक्ने हो उसे भी रिमूव करता है, आपको फेस में ग्लो लाता है, आपके स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, जो रंगत है ना आपका जो स्किन का कलर है उसे निखार के बाहर लाता है। रेमेडी मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, स्कूल बॉयज गर्ल्स भी लगा सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट तो लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा उम्र वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को मैं कैसे बनाती हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन। बेसन चेहरे का टैनिंग को दूर करता है, पिंपल्स से निजात दिलाता है और चेहरा के रंगत को भी निखारता है। बेसन बहुत अच्छा क्लिंजिंग का काम करता है। इसके बाद हमें लेना है चंदन, 1 चम्मच चंदन पाउडर। मार्केट से चंदन पाउडर लाइएगा, देख के लाइएगा जैसे वो अच्छा हो, सेंटेड चंदन पाउडर रहेगा लेकिन वो असली में चंदन पाउडर रहता नहीं है, देख के खरीद के लाइएगा। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच चंदन पाउडर ली हूँ। चंदन पाउडर आपके ड्राई स्किन को ठीक करता है, आपके दाग धब्बे को ख़त्म करता है और ब्राइटनेस को बढ़ाता है। इसके बाद हमें लेना है 1 फुट स्पून हल्दी। आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ले सकते हैं, नहीं तो वाइल्ड हल्दी भी ले सकते हैं। मेरे पास रॉ हल्दी था, मैं उसी को पीस के ली हूँ। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। उसके बाद मैं ली हूँ हनी। हनी में 1/2 स्पून ली हूँ, देखने में 1/4 स्पून लग रहा है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपका स्किन को ब्राइटनिंग करता है, स्किन को टाइट भी करता है। इसके बाद हमें लेना है क्यूकम्बर। यहाँ पे मैं 1/2 क्यूकम्बर ली हूँ। इसको मैं ग्रेटर के सहायता से ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने के बाद मैं इसका जूस निकाल लूँगी। आप लोग इसको मिक्सी में पीस के भी जूस निकाल सकते हैं। मिक्सी के में पीसने के बाद आप स्ट्रेनर के सहायता से इसका जूस निकाल लीजिए। क्यूकम्बर जूस हमें 2 चम्मच चाहिए। ये पैक बनाने के लिए हम क्यूकम्बर जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बाहर से कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यूकम्बर जूस हमारे स्किन को ग्लोइंग करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। मैं क्यूकम्बर जूस को बेसन में मिला दे रही हूँ। मिलाने के बाद एक पेस्ट बना रही हूँ। अगर आपका पेस्ट थोड़ा सा लिक्विडी होता है तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन फिर से मिला सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप इस पेस्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिला लीजिए। ड्राई स्किन के लिए फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है और फैटी एसिड कोकोनट ऑयल में भरपूर मात्रा में है, इसलिए मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ। अगर आपका नॉर्मल स्किन है व ऑयली स्किन है तब आप
मत मिलाइए। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। देखिए मैं बना के लाई हूँ, इसे हम अभी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट्स छोड़ देना है। जब ये हाफ ड्राई हो जाएगा अब तब इसको रिमूव करेंगे। इसको आप मसाज करते हुए रिमूव नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी दे दे के इसको रिमूव करना है। और इसको आप लगाने के बाद पूरा ड्राई नहीं करेंगे और लगाने के बाद कोई बातचीत नहीं करेंगे, आँख बंद करके 30 मिनट्स रिलैक्स करेंगे। देखिए मैं जैसे इस रेमेडी को लगा रही हूँ आप लोग ठीक इसी तरीके से लगाइएगा। इसको पतला करके नहीं लगाइएगा, इसको मोटा करके एक लेयर लगाइएगा। इसको फेस के साथ साथ गले में भी लगा लीजिएगा। देखिए इस उपटन को अगर आप लगाते हैं तो आपके जितने फाइन लाइन्स रिंकल्स सब दूर हो जाएंगे, आपके जो पिंपल हैं वो भी ठीक हो जाएगी, डार्क स्पॉट भी दूर हो जाएगी और एजिंग प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए आधा सूख गया है, इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। अभी तो बहुत ठंडे के दिन हैं, पानी दे दे के निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं एक कटोरी में पानी ले ली हूँ और एक कॉटन के रुमाल से पानी में भिगो के उसको धीरे धीरे उतार ले रही हूँ। देखिए कितना चमक आ गई है मेरे फेस में। इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद फ्रेश बटर से मुंह को धो लीजिएगा। जिन लोग को शादी होने वाली है उन लोग अभी से इस उपटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वीकली 2 डेज इस उपटन को इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आपके फेस में एक अलग से चमक आ जाएगी। देखिए धोने के बाद मेरे स्किन में इतना चमक आ गया है। इस विंटर सीजन में आपके फेस भी इतना ही चमकेंगे, इतना ही शाइन करेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलर वाइज का मतलब वीकली 2 टाइम्स। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।